हेलो, हर हर महादेव। आज हम लोग जा रहे हैं चार सिद्ध। सबसे पहले जाएंगे माड़ू सिद्ध, फिर मानक सिद्ध, फिर कालू सिद्ध और फिर लक्ष्मण सिद्ध। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए व्लॉग में। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त और बढ़िया हैं। और तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ से बस जा रही है, तो हम लोग चार सीट जा रहे हैं देहरादून में ही जो पड़ता है। और अब हमारी सारी पैकिंग हो गई है, रेडी भी हम हो गए हैं और हमारी बस आगे ऊपर खड़ी है, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। और ये देखिए, मम्मी भी अभी रेडी हो गई हैं। और मम्मी जी, एक बार ये मुझे बता दो, हम कौन कौन से सीट जा रहे हैं? थोड़ा मुझे बोलने वो लग रहा ना, याद नहीं आ रहा है। हेलो, हर हर महादेव। आज हम लोग जा रहे हैं चार सिद्ध। सबसे पहले जाएंगे माड़ू सिद्ध, फिर मानक सिद्ध, फिर कालू सिद्ध और फिर लक्ष्मण सिद्ध। हाँ, तो हम लोग अभी ये चारों सिद्ध जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से बस जा रही है, तो काफी ज्यादा लोग हैं और ये हमारे बेटे को आप देख सकते हैं और फोन भी आने शुरू हो गए हैं। चलो चलो बेटा। और तो काफी ज्यादा लेट हो गया, अभी निकलते हैं पहले हम लोग यहाँ से। चलो चलो जल्दी आ जाओ। चाबी लगा। तो गाइस, अभी फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं हम लोग और ये देख सकते हैं हमारी बस यहाँ पे खड़ी है। तो ये और मैं सबसे ज़्यादा लेट है, तो हमारे लिए बस खड़ी हुई है। हम लोग बस में बैठते हैं तभी बस जाएगी। और ये बस आप लोग देख सकते हैं। ड्राइवर कहाँ से? अरे अब बैठे कहाँ यार? वो पीछे सबसे पीछे बैठना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर यहाँ बैठ जाते हैं ना। हम लोग सबसे ज्यादा लेट थे ना, इसलिए हमें सबसे पीछे वाली सीट मिली है, आप लोग देख सकते हैं। और देखो, ये भी पीछे से ना, मैं आगे वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सबके हाथ और सीरी दिख रहा है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे माड़ू सिद्ध के। और यहाँ से कम एक किलो आधा किलोमीटर होगा आंटी, ये मुझे पता नहीं। हाँ, थोड़ा सा ही है, पैदल जा रहे हैं। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ से सभी लोग पैदल जा रहे हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है बोल रहे हैं, मम्मी कह रही ज़्यादा दूर नहीं है। और देखिए, अभी भी हम लोग सबसे पीछे हैं और इसके साथ थोड़ा सा अभी वैसे चल रहा है। तो आओ, इसको चलाते लाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आओ। तो पैदल जाते हैं यहाँ से और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। और जो ये वाली आंटी जा रही है ना, तो यही बस लेकर जा रहे हैं, इन्होंने ही बुक करवा रखी बस। भैयाली सीट भी है बस, तो इन्होंने बुक करवा रखी है। और ये ना हर बार कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। इससे पहले अभी मथुरा वृंदावन लेकर गए थे तो हम नहीं जा पाए थे, मम्मी गए थे साथ में और मैं गई थी रेणुका झील। अभी ये मेरा सेकेंड टाइम है, तो अभी हम लोग यहाँ चार सिद्ध के दर्शन करेंगे। और मैंने देखा नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ और सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फैमिली के साथ ही हैं हम लोग और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं साथ में, तो देखिए हम इस तरह से जा रहे हैं। Thank you.
सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे माणोसिद्ध के दर्शन किए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मंदिर है शिव जी का, भगवान शिव का बहुत अच्छा और भव्य मंदिर है। पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे गुड़ मिलता है और यहाँ पे प्रसाद के रूप में ना गुड़ चढ़ाया जाता है, तो गुड़ की भेली यहाँ पे चढ़ती है। चारों सिद्ध में सेम ऐसा ही है, गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और दूर देख सकते हैं अभी यहाँ पे बस वगैरह खड़ी है और अभी हम लोग भी आ रहे हैं और हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं, तो जो लोग जा चुके हैं वो बस में बैठे हुए हैं, तो अभी हम लोग भी चलते हैं बस में। तो गाइस अभी बस में बैठ के देखिए, अभी ये ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिला हुआ है हम लोगों को और काफ़ी ज़्यादा गर्मी ना, तो अच्छा लग रहा है ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी के। थैंक यू भाऊ जो आपने कोल्ड ड्रिंक पिलाया हमें। अभी गर्मी में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और अभी बस थोड़ा सा रुकी हुई है। मानक सिद्ध के भी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन रहे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी और गर्मी भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है और मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना मम्मी? हाँ बहुत अच्छा। ये देखो बच्चों को अभी सबकी बड़ों का भी बारी खत्म हो गई, बच्चों की बारी है, तो ये ढोलक मास्टर देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए किताब लेकर आ रखे हैं, एकदम एक से एक भजन लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें पढ़ के ये गाएंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करो। अभी बच्चों की बारी है। ये देखिए हमारे बाल कलाकार कितना अच्छा गा रहे हैं। कालू सिद्ध। तो गाइज अभी हम लोग हमारा जो लास्ट दर्शन है कालू सिद्ध मंदिर का, इससे पहले हम लोग ने लक्ष्मण सिद्ध के दर्शन करे थे तो वहाँ पे तो मौसम थोड़ा ठीक था, जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हमारी बस रुकी हुई और यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा बारिश में भीगते हुए भी अच्छा लग रहा है, गर्मी हो रही है तो है ना, और हर जगह भीड़ ही भीड़ है। सावन का अभी महीना चल रहा है तो मंदिरों में सब जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और अच्छा लग रहा है दर्शन करके, है ना, बहुत अच्छा। हाँ, चार धाम का यात्रा तो नहीं कर सकते लेकिन चारों सिद्ध के हमने दर्शन जरूर कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मंदिर काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं और सच में देखने लायक मंदिर हैं, तो आप लोग भी आइएगा और ज़रूर आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ दर्शन कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो अभी हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं श्री कालू सिद्ध बाबा जी के मंदिर में और ये मंदिर देखिए काफ़ी अच्छा मंदिर है, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कालू सिद्ध बाबा जी ने शिव की तपस्या की थी, उसके बाद ही इन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे ना गुड़ का भोग लगाया जाता है, गुड़ की भेली का, और यहाँ पे जो चारों सिद्ध है चारों सिद्ध में ही गुड़ की भेलियों का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि पहले के टाइम पर ना यहाँ पर जो प्रसाद बनाया जाता था वो गुड़ से ही बनाया जाता था, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी शुभ माना जाता है गुड़ की भेली चढ़ाना। और देखिए आसपास यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सभी लोग ना ज़मीन में भी देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग वहाँ पे हैं। और ये देखिए बारिश काफ़ी तेज़ बारिश हुई, तो काफ़ी देर तक लगभग पौने एक घंटे तक तो वहाँ पे वेट करना पड़ा सभी लोगों को, उसके बाद जब बारिश थोड़ा सा हल्की हुई तो उसके बाद ही यहाँ से हम लोगों का जाना भी हुआ। और एक बार आप लोगों को जाते जाते एक बार मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। गाइज हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हैं भगवान जी के, चारों सिद्ध के आज हमने दर्शन कर लिए हैं
और लास्ट जो सीध बचा था हमारा ये कालू सीध, इनके भी दर्शन बहुत अच्छी तरह हो गए हमारे। और अचानक इतनी तेज बारिश आई है यहाँ पे और अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ पर भी आ जाओ, बाकी सब लोग आ जाओ। और तो अभी थोड़ा सा बारिश कम हुई है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कम तो क्या हुई, वैसे है ही वैसे। अभी हम फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और मैं सोच रही हूँ कि आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग ने भी घर बैठे बैठे चारों सिद्ध के दर्शन करे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए अभी जाते जाते देखो हमें कितना भयंकर यहाँ पर नदी दिख रहा है, इसको अभी हमें पार करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बिल्कुल जमा हुआ पानी है, बिल्कुल दलदली है वैसे ये दलदल। और यहाँ से देखो पानी जाओ। चलो देख कर जाना। हाँ चलो 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 नदी पार करते हैं। हाँ